हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत से मुझे मैकेनिकों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो हमारा FSM है, FSM चलता नहीं है, डीजल मोटर नहीं चलती है, तो इसकी कंटिन्यूटी ECU से हमें कैसे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है कि हमारा मोटर सही है या वायरिंग में कहीं कनेक्शन में दिक्कत है या फिर हमारे ECU में प्रॉब्लम है। तो आज इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और कंटिन्यूटी है ECU की पिन नंबर और FSM की पिन नंबर की कंटिन्यूटी मैं आपको आज चेक कराऊंगा और ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इसकी कंटिन्यूटी परफेक्ट आने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है। सबसे पहले तो जो हमारे मैकेनिक भाई है कंटिन्यूटी में ही उलझ जाते हैं, तो मैं कंटिन्यूटी की ही आज मैं बात करूँगा कि कंटिन्यूटी के लिए हमें मल्टीमीटर यूज़ करना होता है। जैसे ये देख सकते हो, तो कभी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। ये जो हमारा मीटर है, मीटर हमें रखना है बजर पे। हाँ, ये बजर, इस बजर पे आपको मीटर को रखना है, फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं गाड़ी के पास। और आपको तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमें इग्निशियन ऑफ़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इग्निशियन ऑफ करना है, चाबी को बंद करना है। बंद करने के बाद ये चेक करना है कि क्लस्टर में कोई लाइट नहीं आए। फिर हमें इसके बाद बैटरी के दोनों टर्मिनल निकालना है। बैटरी के टर्मिनल निकालने के बाद समथिंग 10 मिनट तक रुकना है। रुकने के बाद फिर ECU का कवर खोलना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस कवर को हमें खोलना है। खोलने के बाद फिर इसका कपलर जो हैंडल होता है उसे बाहर की तरफ निकालना है। जैसे कि मैं कपलर खोल दूं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये इसके पीछे कुछ हैंडल लगा होता है, ये जैसे मैंने पुश कर रहा हूँ वैसे ये बाहर की तरफ हमारा कपलर ये निकला है, ये देख सकते हो। तो इसकी कंटिन्यूटी आज हमें चेक करना है FSM और ECU की बीच की। तो ये देख सकते हो, कुछ ECU में पिंस ऐसे होते हैं दोस्तों, और ECU के अंदर 94 पिंस होती हैं, जो कि इसका हमें, ये देख सकते हो कुछ इसमें नंबर लिखे हुए होते हैं। तो हमें FSM का जो चेक करना है, तो आप ये देख सकते हो साइड में ECU पिन नंबर 3 के 1 के साथ और ECU पिन नंबर 5 और 2 के साथ। ये कपलर से हमें ECU की पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 से कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। तो ये देख सकते हो, मैंने साइड में भी लिख रखा है ECU पिन नंबर 3 और 1 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना और ECU पिन नंबर 5 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें तार लेके इसमें हमें इंसर्ट करना है। तो ये देख सकते हो, मैंने ECU पिन नंबर 3 को 1 के साथ आप कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूँ। जैसे कि ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाया, अच्छी तरीके से इसको सेट करना है। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो आप आवाज़ सुन सकते हो बजर की, ये हमारी जो वायरिंग की कंटिन्यूटी है, ये होती है कंटिन्यूटी जो कि हमारा वहाँ से और यहाँ तक का वायर कंफर्म परफेक्ट है। अब ECU पिन नंबर 5 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जैसे कि ये देख सकते हो आप। तो कंटिन्यूटी यही चेक करने का मतलब होता है, कहीं से हमारा वायर जो है टूट तो नहीं गया। इस चीज़ से चेक करने से क्या होता है, हमारा जो करंट वोल्टेज है वो परफेक्ट पूरा मोटर की तरफ जा रहा है, इसके बावजूद मोटर नहीं चल रही। तो ये देख सकते हो, फिर इसके बाद हमें ECU पिन नंबर 5 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें भी इंसर्ट किया, अब ये यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, कंटिन्यूटी आप सुन सकते हो और परफेक्ट कंटिन्यूटी आ रही है। इसके बाद हमें ये भी चेक करना होता है कहीं हमारा वायर जो है शॉर्ट टू ग्राउंड, बॉडी टू ग्राउंड तो नहीं हो रहा। इसे हम ग्राउंड में भी लगा के चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हो। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे कि हमने बॉडी में लगाया, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब हमारा वायरिंग परफेक्ट सही है, मोटर की कंटिन्यूटी।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही रोजाना नई नई टॉपिक की वीडियो।